उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के एक घर में लगी आग। भीषण आगजनी से घर में रखा सामान जलकर हुआ राख। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हुआ वोट को लेकर नोट का खेल। बुलंदशहर में विधायक गुड्डू पंडित का नोट बांटने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। डिबाई विधानसभा क्षेत्र से विधायक है गुड्डू पंडित। गोरखपुर में मनीष हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह और फल मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा हुआ गिरफ्तार। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र से हुई दोनों की गिरफ्तारी। रानीखेत पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने वाल्मीकि समाज के साथ घिंघारी खाल में माता की मूर्ति स्थापना की। वाल्मीकि समाज के लोगों ने हरीश रावत को चांदी का मुकुट भेंट किया। इस दौरान पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में ट्रक में मिट्टी के नीचे छिपा 714 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा लाखों का गांजा। ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। बस्ती में लव जिहाद का मामला सामने आया। कटरा के रहने वाले प्रमोद कुमार जायसवाल ने इरफान नाम के शख्स पर बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया। सदर कोतवाली में दर्ज कराई गई FIR। अयोध्या में रामलला के दर पर पहुंचे फिल्म अभिनेता राहुल बूचर। भगवान राम के किरदार में पहुंचे अभिनेता ने रामलला के किए दर्शन। उनके साथ अभिनेता राकेश बेदी और उनका परिवार भी रामलला के दरबार में पहुंचा। नवरात्रि के अवसर पर बद्रीनाथ धाम हुआ श्रद्धालुओं से गुलजार। असीमित श्रद्धालुओं के आने की अनुमति मिलने के बाद मंदिर में लौटी पुरानी रौनक। पीली लाइटों से सजाया गया भगवान का मंदिर। फतेहपुर में रेड ईगल डिवीजन के शहीद राजेश कुमार को दी गई अंतिम विदाई। शहीद के अंतिम विदाई के दौरान उमड़ा लोगों का सैलाब। जिले के अमौली ब्लॉक के खदरा गांव के रहने वाले थे शहीद राजेश कुमार। 2 महीने पहले ही उनको लद्दाख भेजा गया था। अमरोहा के CMO डॉक्टर संजय अग्रवाल का बड़ा बयान। कहा जिले में चल रहे फर्जी अस्पतालों और डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करता है तो तमाम जनप्रतिनिधि उनके बचाव में आ जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग पर रहता है दबाव। गोंडा जिला अस्पताल महिला अस्पताल और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अंत्योदय कार्ड धारकों का बनवाया जा रहा है गोल्डन कार्ड। जिले में 64,781 कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक 4,000 के करीब अंत्योदय कार्ड धारकों का गोल्डन कार्ड बन गया है। कानपुर में ब्लड डोनेशन को लेकर लगाया गया कैंप। अब तक 1500 से ज्यादा यूनिट ब्लड और प्लाज्मा कलेक्ट किया गया। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए लगाया गया कैंप। रायबरेली में त्योहारों के चलते कच्ची शराब को लेकर छापेमारी। आबकारी विभाग ने करीब 150 लीटर कच्ची शराब बरामद की। 1500 क्विंटल लहन के साथ शराब बनाने के उपकरण नष्ट किए। चंदौली में अवैध शराब की बिक्री और तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान जारी। एम्बुलेंस में बिहार ले जा रहे शराब की खेप बरामद। 4 तस्करों को भी पुलिस ने पकड़ा। IPL 2021 के पहले क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी ओवर्स में आकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलवाई और इसी के साथ चेन्नई 9वीं बार IPL में प्रवेश कर गई। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 5 विकेट पर 172 रन बनाए थे। इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 विकेट खोकर आखिरी ओवर में जीत हासिल की। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। उन्होंने सिर्फ 6 गेंदों में नाबाद 18 रन बनाए। विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और इयान मॉर्गन की अगुवाई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एलिमिनेटर मुकाबला आज। विराट कोहली के रणनीतिक कौशल और इयान मॉर्गन के धैर्य की होगी कड़ी परीक्षा। शारजा में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आंकड़ों के लिहाज से KKR का पलड़ा भारी। KKR को 28 में से 15 मैचों में जीत हासिल हुई। वहीं RCB के खाते में केवल 13 जीत आई। पिछली बार दोनों टीमें इस सीजन में अब तक 2 बार आमने सामने आई और दोनों को एक एक बार जीत हासिल हुई थी।
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 79 साल के हुए। 11 अक्टूबर को 1942 में प्रयागराज में हुआ था जन्म। अमिताभ ने 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन 1973 में आई फिल्म जंजीर में पुलिस इंस्पेक्टर की उनकी भूमिका ने उन्हें एंग्री यंग मैन का तमगा दिलाया।